बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में मिसरोद समेत भोपाल के आसपास सड़क किनारे रेत भंडारण का मुद्दा उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखें इस रिपोर्ट में। विधानसभा में दिखा पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य। जनहित के मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस साथ साथ, भोपाल के आसपास रेत के भंडारण से परेशान है लोग। भाजपा विधायक के प्रश्न पर मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई के दिए निर्देश। विधानसभा में हंगामे के दौरान जारी जनहित के मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य भी देखने को मिला। दरअसल विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर में रेत भंडारण संबंधी मामला उठाया। इस पर मंत्री आरिफ अकील ने रामेश्वर शर्मा के प्रश्न पर सहमति देते हुए इस मामले में अध्यक्ष से व्यवस्था देने का अनुरोध किया। आज हमारा जो समरदा पुल है मंडीदीप से लेकर टोल टैक्स नाका, टोल टैक्स प्लाजा और मिसरोद तक, ये पूरा जो नेशनल हाईवे रोड है, इस रोड के दोनों तीनों तरफ कॉलोनियां हैं। लगभग 30-40 कॉलोनियां रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रात में जाम में फंस जाते हैं। एक भी अगर अचानक कोई बीमार हो जाए तो कॉलोनी से नागरिक बाहर नहीं निकल सकता, इलाज के लिए नहीं जा सकता। ट्रक और डंपर लगा दिए जाते हैं, इससे ही बचता हुआ थोड़ी बहुत जगह बचती है तो ट्रक और डंपर सड़क पर अतिक्रमण करके वहाँ रेत के भंडारण कर लेते हैं। शून्यकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे प्रश्न उठाने की अनुमति दी, मैंने प्रश्न उठाया। श्रीमान मंत्री आरिफ अकील जी ने मेरे प्रश्न का समर्थन भी किया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह कार्रवाई होगी। रेत के अवैध भंडारण सड़क से हटेंगे, ट्रक जो सड़क पर खड़े होते हैं उनको हटाया जाएगा और नागरिकों में आवाजाही की सुविधा मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रेत के शहर में भंडारण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि भोपाल में रात में ट्रक खड़े होने की व्यवस्था भी बंद की जाए। मिसरोद क्षेत्र के आसपास की कॉलोनियों के रहवासी समस्या से परेशान हैं। वहां पर रेत के डंपर से अवैध भंडारण किया जाता है, रेत माफिया ट्रकों से जाम लगा देते हैं। झूठ है, और पुलिस अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी या राजस्व अधिकारी या वन अधिकारी यदि कहीं कुछ कार्य करते भी हैं तो गुंडे इतने सबल हो गए हैं, माफिया इतना सबल हो गया है, राजनीतिक रूप से इतना संरक्षण है उनके लिए, अकूत पैसा आ रहा है रेत में। मैं मान के चलता हूँ कि यदि इसकी पारदर्शी प्रक्रिया से नीलामी हो गई तो कम से कम 40-50 हजार करोड़ रुपया सिर्फ हमारे लिए खनिज विभाग को मिलेगा इस सबसे। कुल मिलाकर जल्द ही भोपाल के आसपास की कॉलोनियों में लोगों को रेत के भंडारण और जाम से मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।